हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसका टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है। पिछले जो लेक्चर्स में हमने किया था वो था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन ऑन इक्वेटोरियल लाइन, और हमने साथ में कैलकुलेट कर लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन आइडियल डाइपोल एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी एक आइडियल डाइपोल की वजह से। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे हम किसके एक्सिस पे? यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, साइड 2006-07 का। इसके साथ में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, वो हमारा PYQ है, TMT का भी और AIEEE का भी। आज जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन होगा हमारा विदाउट द हेल्प ऑफ गोजला। गोजला हमारे पास बेसिकली एक मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का, उसके हेल्प से हम इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन आज जो टॉपिक यूज करेंगे वो हम विदाउट द हेल्प ऑफ गोजला, इससे आगे आने वाले लेक्चर्स में हम गोजला को भी स्टडी करेंगे डिटेल में। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। रिंग का मतलब हमें पता है सर्कुलर रिंग, ये हमारे पास क्या है, एक रिंग है, सर्कुलर रिंग है। यूनिफॉर्मली चार्ज का क्या मतलब है कि इस रिंग के ऊपर जो भी चार्ज है द होल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द रिंग, ऑन द बाउंड्री ऑफ द रिंग। ये हमारे पास कोई भी रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग का मतलब राइट नाउ मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इस रिंग के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज का क्या मतलब है कि हर पॉइंट पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लीजिए इस रिंग की रेडियस कितनी है ए, अगर इस रिंग की रेडियस ए है तो इसकी जो टोटल लेंथ होगी, लेंथ ऑफ द रिंग या फिर सर्कमफ्रांस पैरामीटर, ये एक सर्कल है तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस हमने पढ़ा है 2πr, r इज द रेडियस। यहाँ पे हमारी रेडियस किसे डिनोट की, a से। तो हमारे पास जो सर्कमफ्रेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, 2πa। फिलहाल हम अज्यूम करते हैं कि इस रिंग के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो हमारे पास कैपिटल Q है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो रिंग का सर्कमफ्रेंस है उसके ऊपर जो भी टोटल चार्ज है वो कितना है, क्यू। 2πa लेंथ के ऊपर जो चार्ज है हमारा वो है कैपिटल Q। अभी एक लेंथ है, लेंथ की यूनिट मीटर या फिर सेंटीमीटर, अज्यूम कर लेते हैं इसकी यूनिट है मीटर। 2πa मीटर लेंथ पे जो चार्ज है वो है कैपिटल Q। एक मीटर लेंथ पे चार्ज होगा हमारे पास कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 2πa, ये चार्ज होगा हमारे पास इस सर्कुलर रिंग की एक मीटर लेंथ पे। अगर मैं इस पे कोई dl लेंथ एलिमेंट पीस लेता हूँ, रियल लेंथ एलिमेंट अगर मैं इसकी लेंथ मीटर में एज्यूम कर रहा हूँ, मतलब 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर, तो डीएल लेंथ एलिमेंट मतलब बहुत छोटा एलिमेंट, लेंथ एक ऐसा एलिमेंट जिसकी लेंथ होगी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इस टाइप का अगर कोई लेंथ एलिमेंट कंसीडर किया, ये लेंथ एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है हमारे पास डीएल, ये लेंथ एलिमेंट हम कहीं पे भी कंसीडर कर सकते हैं। इधर कंसीडर कर लिए, एक लेंथ एलिमेंट हमने इधर ले लिया, इसकी भी लेंथ कितनी है डीएल। हम एक लेंथ एलिमेंट इधर ले लिए, इसकी भी लेंथ कितनी है dl। तो यूनिफॉर्मली चार्ज का क्या मतलब है, ये dl लेंथ एलिमेंट पीस, ये dl लेंथ का कोई भी पीस मैं किसी भी पॉइंट पे अज्यूम कर लो, तो जो चार्ज इस dl लेंथ एलिमेंट पे होगा वही चार्ज हमारे पास इस dl लेंथ एलिमेंट पे होगा, वही चार्ज इस dl लेंथ एलिमेंट पे होगा। हमारे पास जो dl लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए, इनके ऊपर जो चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। अगर पूरी वायर पे चार्ज कैपिटल Q है या फिर इस पूरी वायर की लेंथ हमारे पास 2πa है, इस पूरी वायर की लेंथ 2πa है, उसके ऊपर चार्ज कैपिटल Q है, टोटल चार्ज कैपिटल Q है, अगर मैंने लेंथ स्मॉल ली है dl, तो हमारे पास जो चार्ज होगा dl के ऊपर वो भी बहुत थोड़ा चार्ज होगा इन कंपैरिजन विद Q। कैपिटल Q इज द टोटल चार्ज, मैं बात कर रहा हूँ बहुत थोड़े चार्ज की, थोड़ा चार्ज जो हमारे पास किस पे है dl लेंथ पे। एक मीटर वायर की लेंथ पे चार्ज है हमारे पास Q बाई 2πa। dl लेंथ एलिमेंट पे चार्ज कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है चार्ज बहुत थोड़ा होगा, उस थोड़े चार्ज को डिनोट कर दिया मैंने डी क्यू से।
डी क्यू इज द वेरी स्मॉल चार्ज प्रेजेंट ऑन द लेंथ एलिमेंट डी एल, तो हमारे पास डी क्यू किसके इक्वल होगा, डी क्यू इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज इक्वल टू क्यू बाई टू पाई ए मल्टीप्लाई डी एल। 2πa मीटर लेंथ पे चार्ज था हमारे पास कैपिटल क्यू, 1 मीटर लेंथ पे हमारे पास चार्ज है क्यू बाई टू पाई ए, डी एल लेंथ एलिमेंट पे हमारे पास चार्ज कितना है डी क्यू, और डी एल लेंथ पे निकालना है तो इसकी मल्टीप्लाई होगी किससे डी एल से, तो डी क्यू हमारे पास जो भी चार्ज है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है क्यू बाई टू पाई ए मल्टीप्लाई डी एल। इसको हम या तो ऐसे निकाल लें या फिर सिंपल अज्यूम कर लें, ये मैंने आपको डी क्यू की वैल्यू बता दी। अगर हम निकालना चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं डी क्यू का यूज़ करके, डी क्यू की वैल्यू पुट करके उसके बाद हम सोल्व करेंगे, या फिर इसको हम रहने भी दे सकते हैं। फिलहाल हमने अज्यूम कर लिया कि डी एल लेंथ है उसके ऊपर चार्ज कितना है डी क्यू है। मैं एक सर्कुलर रिंग दोबारा कंसिडर कर रहा हूँ, लेकिन अब की बार उसको कुछ इस टाइप से रखा है मैंने, मतलब उसको थोड़ा टेढ़े वे से देख रहा हूँ। कोई भी रिंग है वो हमारे पास कुछ इस टाइप से है। अब बात करूँ तो अब रिंग हमारे पास इस टाइप से है, इस टाइप की जो भी रिंग होगी जो आपको दिखाई दे रही है, इस टाइप की जो भी रिंग ऑन द सरफेस ऑफ द बॉल, इस टाइप की जो भी रिंग होगी वो रिंग क्या है हमारे पास यूनिफॉर्मली सर्कुलर है। अब इस रिंग को रोटेट करा के ऐसे लेके आए, अब उस रिंग को देख रहे हैं तो वो हमें कुछ इस टाइप से दिखाई देगी। ये हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इस सारे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा जो मैं फिलहाल दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऑन द एक्सिस का मतलब है, एक्सिस का मतलब जो लाइन इसके सेंटर से पास हो रही है, ये पेन, पेन की जो भी पोजीशन है, ये लाइन हमारे पास क्या होगी एक्सिस होगा। अगर हमारे पास रिंग ये कंसिडर की है हमने, या फिर इस टाइप से रिंग कंसिडर की है, तो हमारे पास जो भी लाइन इस टाइप से आ रही है, इस टाइप की जो भी लाइन होगी वो लाइन क्या है हमारे पास एक्सिस। एक्सिस क्या होगा अगर आप हमको एक्सिस लाइन डिफाइन करनी हो, व्हाट इज द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर रिंग, द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर रिंग इज डिफाइंड एज अ लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। एक ऐसी लाइन जो इस सर्कल के कहाँ से पास होगी, सेंटर से पास होगी और परपेंडिकुलर होगी किसके, सर्कल के प्लेन के, जो भी सर्कल का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर। सर्कल का प्लेन अगर मैं सर्कल इस बोर्ड में मान रहा हूँ, या फिर हमारे पास ये रिंग है, तो पेन जो हमारे पास ये वाला एंगल है बोर्ड और पेन के बीच में, वो वाला एंगल कितने का होगा हमारा 90 का होगा। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं एक्सियल लाइन, अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द सर्कल, इस टाइप की लाइन को हम क्या बोलेंगे एक्सिस। अभी इस एक्सिस के ऊपर हमें क्या कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो सकता है, कोई भी पॉइंट मैंने रेंडम पॉइंट ले लिया दैट इज ये पॉइंट अज्यूम कर लिया मैंने पी, पी पॉइंट पे क्या निकालनी है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब सेम हमारे पास हम यही करेंगे, डीएल लेंथ एलिमेंट अज्यूम करेंगे, इस रिंग के ऊपर हमने क्या अज्यूम किया डीएल लेंथ एलिमेंट, हर डीएल लेंथ एलिमेंट के ऊपर चार्ज कितना होगा डी क्यू। अब ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग कंसिडर किए, जो चीज हमें पता है इस रिंग की रेडियस कितनी है दैट इज गिवन एज डी, इस रिंग के सेंटर से लेके पॉइंट पी का डिस्टेंस, वो डिस्टेंस ले लिया हमने। और एक डीएल लेंथ एलिमेंट मैंने कंसीडर किया इस पॉइंट पे, सिमिलरली एक डीएल लेंथ एलिमेंट मैंने कंसीडर कर लिया इस पॉइंट पे। डीएल लेंथ एलिमेंट हम कहीं पे भी कंसीडर कर सकते हैं, कितने भी कंसीडर कर सकते हैं। राइट नाउ मैंने दो अज्यूम किए, अब इस डीएल लेंथ एलिमेंट के ऊपर चार्ज कितना है डी क्यू, डी क्यू हमारे पास चार्ज है इस डी एल लेंथ एलिमेंट के ऊपर डी क्यू। सिमिलरली इसके ऊपर भी चार्ज कितना है डी क्यू, इस डी क्यू की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, डी क्यू हमने पॉजिटिव चार्ज अज्यूम किया और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे पास आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ जाते दिखाई देंगे, इसकी वजह से पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो कुछ इस टाइप से होगी। सिमिलरली इस डी क्यू लेंथ एलिमेंट की वजह से जो भी फील्ड लाइन होंगी वो हमारी कुछ इस टाइप से होंगी। अब सोचने की बात है इस पूरे रिंग की वजह से, पूरे रिंग के ऊपर चार्ज क्यू, इस क्यू की वजह से जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम डिनोट करेंगे ई से,
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाई ई। अगर मैं बात करूँ स्मॉल लेंथ एलिमेंट की डी एल की, जिसके ऊपर चार्ज कितना है डी क्यू, तो इस अकेले डी क्यू की वजह से, अब सारी रिंग की बात नहीं कर रहे, अकेले डी क्यू की वजह से जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी डी ई। सिमिलरली इस डी क्यू की वजह से जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डी ई। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होंगी, रीजन के हमारे पास ये डिस्टेंस भी सेम है, और जो डी एल लेंथ एलिमेंट इधर है उसी वही डी एल लेंथ एलिमेंट इधर है, इस डी एल लेंथ एलिमेंट के ऊपर भी चार्ज डी क्यू, इसके ऊपर भी चार्ज डी क्यू। अब सबसे पहला काम जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पता है वो क्या है, ई इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब अगर इस केस में मैं डी ई की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो डी ई इक्वल होगा हमारे पास डी ई, डी इज द स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, हमारे पास जो डी क्यू चार्ज है इसकी वजह से, तो डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। काम कर लेते हैं इसमें, हमने एज्यूम किया कि ओ से लेके पी का डिस्टेंस है वो क्या है एक्स, पहले हमने क्या माना था आर, आर अब हम ये वाला डिस्टेंस लेंगे डी के उसे लेके पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कितना है हमारे पास आर। आर हम बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही करते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है उससे लेके जिस पॉइंट पे निकालनी है, फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल टू द पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उस पॉइंट का जो भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है हमारे पास आर। इधर हमने वही डिस्टेंस लिया डी के ओ की वजह से पी पे निकालनी, तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है आर, ये आर है तो ये भी क्या होगा हमारे पास आर, क्यों इस डी क्यू की वजह से पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो क्या होगा आर। आर की वैल्यू अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकालना चाहूँ तो आर की वैल्यू आएगी हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अज्यूम कर लिए ये वाला एंगल कितना है हमारे पास थीटा, अगर ये थीटा है तो ये साइड परपेंडिकुलर, ये बेस, ये कितना है आर। आर की वैल्यू जो भी होगी वो इक्वल होगी हमारे पास अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्केयर, सेम जो भी आर की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर, आर की वैल्यू आ गई हमारे पास। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा होगा। अब हम डी के कंपोनेंट रिजोल्व करेंगे, डी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन ये है, इस डी के दो कॉम्पोनेंट रिजोल्व होंगे, एक तो कोस कॉम्पोनेंट दूसरा साइन कॉम्पोनेंट। कंपोनेंट ब्रेक करना मैं आपको हर बार बताता हूँ, अगर ये कोई वेक्टर है ए जो एंगल बना रहा है थीटा, तो हमारे पास जो भी लाइन इसके साथ एंगल बनाएगी वो कौन सा कंपोनेंट होगा हमारे पास कोस थीटा, और ये कौन सा होगा साइन कंपोनेंट। ये सिंपल याद करने का मेथड है, बाकी इसका डेरिवेशन ये कोस क्यों होगा ये साइन क्यों होगा ये डेरिवेशन हमने क्लास 11th में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स नाम का एक टॉपिक है उधर किया है, काइनेमेटिक्स का थर्ड पार्ट है मेरे अकॉर्डिंग वेक्टर्स, उधर हमने किया है। अब अगर मैं बात करूं डी के कंपोनेंट की, तो डी का एक कंपोनेंट इधर होगा डी ई कोस थीटा, इस डी का एक कंपोनेंट इधर होगा डी ई कोस थीटा, दूसरा कंपोनेंट इधर होगा डी ई साइन थीटा। सिमिलरली इस डी के दो कंपोनेंट होंगे डी ई कोस थीटा इसी डायरेक्शन में और डी ई साइन थीटा नीचे। इस लाइन की लॉन्ग हमारे पास दोनों डी ई के कंपोनेंट है कोस कंपोनेंट और ऊपर साइन कंपोनेंट है नीचे भी साइन कंपोनेंट। अब जो चीज़ हम देख रहे हैं इधर जो डी ई साइन थीटा है वो जस्ट इक्वल एंड ऑपोजिट है किसके डी ई साइन थीटा के, एक डी साइन थीटा ऊपर है एक डी साइन थीटा नीचे, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। हमारे पास जो भी नेट कंपोनेंट बचेगा वो कौन सा होगा डी ई कोस थीटा, डी ई कोस थीटा इस डी के लेंथ एलिमेंट की वजह से भी, इसकी वजह से जो भी डी ई कोस थीटा उसकी डायरेक्शन ये, इसकी वजह से जो है उसकी डायरेक्शन ये। अगर मैं कोई डी एल लेंथ एलिमेंट कंसिडर कर लेता इस पॉइंट पे, सिमिलरली हमारे पास कोई डी एल लेंथ एलिमेंट होता इस पॉइंट पे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से ले रहा हूँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से ले रखी है मैंने, इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक्सिस हमारे पास ये होगा
साइड वाले कंपोनेंट कैसे आएंगे, इस टाइप से क्रॉस करेंगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ऊपर की वजह से आ रहा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड, इसकी वजह से इस टाइप से। अगर मैं पॉइंट पी की बात करूं तो पी पॉइंट पे हमारे पास जो डायरेक्शन होगी पी पॉइंट पे जो हमारे पास डायरेक्शन होगी वो कुछ इस टाइप की होगी, डीई ऊपर डीई नीचे, डीई इस साइड में इस साइड में, हर डायरेक्शन में डीई की डायरेक्शन ये है। तो डी के जितने भी साइन कंपोनेंट होंगे वे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, जो भी रिमेनिंग होगा वो कौन सा कंपोनेंट होगा, कॉस कंपोनेंट। तो हम क्या लिखेंगे, साइन कंपोनेंट्स ऑफ डीई कैंसिल आउट ईच अदर, वेयर एज cos component is responsible for net electric field। जो हमारा cos component है वो responsible है किसके लिए, net electric field के लिए। तो जो भी हमारे पास अब net electric field होगी, ये electric field जो भी पूरी circular ring की वजह से होगी वो सिर्फ और सिर्फ किस component की वजह से होगी, cos की वजह से होगी। रीजन क्या है, साइन कंपोनेंट सारे एक दूसरे के कैंसिल आउट करेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जो भी हमारे पास डीई होगी, डीई इज द स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल कैलकुलेट करने के लिए हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हमेशा रेफर करता है मैं एक छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज पे, जैसे हमने डीएल लेंथ एलिमेंट की वजह से चार्ज निकाला डी क्यू, अगर टोटल लेंथ की वजह से निकालना है तो मैं डीएल का इंटीग्रेशन करूंगा, तो हमारे पास डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, टोटल लेंथ एल। हमेशा छोटी चीज से बड़ी चीज के ऊपर रेफर करना हो तो हम किसका यूज करेंगे, इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन और समेशन दोनों हमेशा रेफर करेंगे स्मॉल क्वांटिटी टू द लार्ज क्वांटिटी। समेशन का यूज करते हैं जब हमारे पास डिस्क्रीट क्वांटिटी हो, और इंटीग्रेशन का यूज करते हैं जब कंटिन्यूस क्वांटिटी हो। डीई का इंटीग्रेशन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डीई, ये किसकी वजह से हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ कॉस कंपोनेंट की वजह से। तो ये इक्वल होगा हमारे पास इंटीग्रेशन डी ई कोस थीटा। अब डी ई का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, ई आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डी ई वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, साइन कंपोनेंट कोस कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट हमें कैंसिल आउट कर रहे हैं तो उसको कैंसिल आउट हो ही रहे हैं, तो ले या ना ले कोई फर्क नहीं होगा, बचेगा कौन सा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ कोस कंपोनेंट। तो जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसकी वजह से होगी, कोस कंपोनेंट की वजह से। तो हमारे पास डी का इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन डी ई कोस थीटा, डी का इंटीग्रेशन ई होगा, इधर हम डी की वैल्यू पुट करेंगे और इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे। डी की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है हमने, क्या है डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर इज द वैल्यू ऑफ दिस, इंटीग्रेशन के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कोस ऑफ थीटा, दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम एक काम और करते हैं, कोस थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं और इधर पुट करते हैं, फिर जो कांस्टेंट होगा उसको, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाद सिंपल इंटीग्रेशन बचेगा हमारे पास। अगर मैं इस ट्रेंगल का यूज करूँ तो कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये मैं पता है पहले पढ़ रखे हैं, हमारे पास साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा होगा हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस। तो कोस थीटा हमारे पास इक्वल होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कौन सी साइड होती है, जो भी एंगल थीटा है इसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर, जो इसके नीचे वाली साइड है वो क्या होगी हमारे पास बेस, और जो सबसे लेंथी साइड है वो क्या होगी हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की पहचान या तो हम सबसे लेंथी साइड कौन से वो देख ले, या फिर जो भी एंगल 90 का है उसके सामने वाली साइड जो भी होगी वो क्या होगी हमारे पास हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की लेंथ एक्स हाइपोटेन्यूज की अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स डिवाइडेड बाई अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोस थीटा की वैल्यू का यूज करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन के डी क्यू डिवाइडेड बाय
अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर कोस थीटा की जगह पे एक्स डिवाइडेड बाय अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब अगर इधर से देखें तो अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 2, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1, तो इसको मैं लिख सकता हूं अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3। अंडर द रूट को हटाए तो हमारे पास ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। जो डिनोमिनेटर है वो सॉल्व होके हमारे पास ये आ गया। अब इनमें से कॉन्स्टेंट वैल्यू कौन सी है? ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, जो भी रिंग हमने कंसिडर की थी उसकी रेडियस क्या थी ए, वो वैल्यू फिक्स रहेगी। पॉइंट बी हमारे पास जिस पॉइंट पे निकालनी है उसे लेके सेंटर का डिस्टेंस वो भी क्या रहेगा फिक्स रहेगा। हमारे पास एक्स बी कॉन्स्टेंट है, ए बी कॉन्स्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास इक्वेशन में क्या है के की वैल्यू भी क्या है हमारे पास कॉन्स्टेंट। के की वैल्यू किसकी इक्वल होगी 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर, ये वैल्यू होगी हमारे पास किसकी के की। इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे दो चीज कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लिए, ए कांस्टेंट ये वाली टर्म कांस्टेंट ये कांस्टेंट एक्स कांस्टेंट, बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या डी क्यू। हमारे पास जो वैल्यू बाहर आ गई वो आ गई ए एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू द पावर 3/2। इंटीग्रेशन बच गया किसका डी क्यू का। डी क्यू क्या हमारे पास स्मॉल चार्ज है ऑन द लेंथ एलिमेंट डी एल, नेट चार्ज हमारे पास डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा तो भी टोटल चार्ज हमने कंसीडर किया था क्यों, टोटल चार्ज हमने क्या कंसीडर किया था क्यों, तो वही वैल्यू डायरेक्ट एज इट इज उधर हमने क्या किए पुट किए, तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी के एक्स क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। के की वैल्यू पुट करेंगे तो यही इक्वेशन हमारे पास कुछ इस टाइप की होगी। वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ये एक्सप्रेशन होगी हमारे पास किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारे पास ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग ऑन द एक्सिस ऑफ ऑन इट्स एक्सिस, एक्सिस के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग के एक्सिस के ऊपर जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास गिवन होगी इस इक्वेशन की हेल्प से। इसे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से किसी भी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसमें भी सेम इसी तरह के मेथड यूज होंगे, हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।